अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और थर्ड चैप्टर के अंदर अब हम डिस्कस करने लगे हैं टू टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इनिशियली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो कि डिस्कवर हुए थे, उन्हें डिवाइड किया गया था दो किंगडम्स के अंदर। उनमें से एक किंगडम जो है वो प्लांट किंगडम था और दूसरा किंगडम जो था वो एनिमल किंगडम था। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया। ना पूछा ये जाता है कि इसकी बुनियाद क्या थी, यानी जब भी आप ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ को बुनियाद बनाते हैं, किसी ना किसी चीज़ को बेसिस बनाता है। तो इसकी जो बेसिस थी वो थी सेल वॉल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ये मेन फीचर था जिसे कंसिडर किया गया था। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल थी उन्हें प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उन्हें एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था। तो अगर हम देखें प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके कैरेक्टर्स प्लांट से मैच नहीं करते, बट अगेन उन्हें रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो सारे के सारे बैक्टीरिया को उठाकर यहाँ रख दिया गया। एल्जी चलो प्लांट से मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बट उन्हें भी प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया बिकॉज सेल वॉल होती है। फंजाई प्लांट से बहुत डिफरेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी नहीं होते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट स्टिल उन्हें किंगडम प्लांट किंगडम में रखा गया बिकॉज उनके पास सेल वॉल होती है। बाकी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये ट्रू प्लांट्स होते हैं तो इन्हें तो सही रखा गया था यहाँ पे। तो मेन जो चीज़ कंसिडर की गई थी वो सेल वॉल थी। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी वो लेफ्ट साइड पर चले गए, सॉरी स्क्रीन के राइट साइड पर चले गए जो कि प्लांट किंगडम है, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी वो इधर आ गए। अच्छा, इधर कौन आ गया? इनवर्टिब्रेट्स आ गए। जितने भी एनिमल्स होते हैं कि जिनके पास बैकबोन नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इसके अलावा यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं, जिसमें अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है और इनसे रिलेटेड, और वर्टिब्रेट्स जो कि बड़े एनिमल्स हैं। अच्छा, मेन फीचर्स मैं अगेन बता रहा हूँ कि सेल वॉल था। अच्छा, उसके अलावा अगर हम फीचर्स देखें तो क्या चीज़ें हैं जो कि इन्हें डिफ्रेंशिएट करती हैं? ये सब पर लागू नहीं होंगी, ठीक है, बट प्लांट्स की अगर हम बात करें और एनिमल्स की बात करें तो इनके अंदर ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। लोकोमोशन, अगर आप प्लांट किंगडम में प्लांट्स को उठाकर देखें तो वो लोकोमोट नहीं करते, तो लोकोमोशन एब्सेंट होती है प्लांट्स के अंदर जबकि लोकोमोशन प्रेजेंट होती है एनिमल्स के अंदर। रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस कहते हैं चेंज इन द एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसे हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस रूम में मैं बैठा हूँ इसमें पंखा चल रहा है, अभी पंखा अगर बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, तो ये मेरी बॉडी डिटेक्ट करेगी क्योंकि मेरी बॉडी के लिए ये चेंज इन द एनवायरनमेंट जो है ये स्टिमुलस होता है, और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पांस दिया जाता है। तो जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो प्लांट की बॉडी बहुत स्लो रिस्पांस देती है जबकि एनिमल की बॉडी जो है वो फास्ट रिस्पांस देती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, यानी ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कैसे करता है, तो जो प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट ईट, ये अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं, अपनी फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ये कुछ खाते नहीं हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं ये बना बनाया खाना खाते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए। इसके अलावा कंडक्टाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जो है, कंडक्टाइल जो है ये बेसिकली वो है जो कि नर्वस सिस्टम है जो कि मैसेजेस को कंडक्ट करवाता है। किसी ने अगर टच किया है हाथ पे तो वो मैसेज हाथ से होता हुआ ब्रेन तक जाता है, तो ये कंडक्शन सिस्टम है। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम है, तो ये मौजूद होते हैं एनिमल्स के अंदर जबकि ये एबसेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। बट ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं हम कंसिडर नहीं कर रहे थे क्लासिफिकेशन में। जो वाहिद कैरेक्टर था जो कंसिडर किया जा रहा था टू किंगडम की क्लासिफिकेशन में वो था सेल वॉल। इसके बाद चूंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ सेल वॉल की बेसिस के ऊपर नहीं जो है वो डिवाइड कर सकते थे, तो इसके बाद एक एडिशनल इजाफा हुआ एक किंगडम का और फिर आई थ्री किंगडम की क्लासिफिकेशन। तो अर्नेस्ट हैगल साहब थे जिन्होंने एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जो है इसको इसकी डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया कि भाई इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कॉमन होते हैं, जिनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के जो है वो मिक्स कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी आप जिन्हें स्ट्रेट अवे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो आप उन ऑर्गेनिजम्स को इस ग्रुप में डाल दें। तो अब इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आ गया? जैसे कि यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच करते हैं प्लांट्स के साथ भी और एनिमल्स के साथ भी, तो उन्हें रखा गया यहाँ पे। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के साथ मैच कर रहे हैं, लाइक ऑटोट्रॉफिक होते हैं कुछ बैक्टीरिया बट हेटरोट्रॉफिक होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, बल्कि मेजॉरिटी बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स वाला कैरेक्टर जो है वो ये कि इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, तो इन्हें भी जो है उठाकर इस किंगडम के अंदर रख दिया गया बिकॉज इनके कैरेक्टर्स दरमियान में आ रहे थे। 1937 के अंदर एडवर्ड शेटन जो थे इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आई है दो तरह के सेल्स का, तो यहाँ से सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पड़ी जो कि आगे काम आएगी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में। वो दो तरह के सेल्स, ये दो तरह के सेल्स की जो टाइप है ये मैंने चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया। एक को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और एक को यूकैरियोटिक कहते हैं।
प्रोकैरियोटिक वो होते हैं कि जिनके अंदर पुराना वाला न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, यानी जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक जो है ये ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और जिस ये अगर सेल है तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर फिर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और एक अदद बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ये प्रॉपर न्यूक्लियस है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, इनमें ऐसा कुछ मौजूद नहीं होता, इनमें खाली सेल होता है और इनका डीएनए यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, अलग से न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, ये फिर आगे हेल्प करेगा फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर। नाउ 1930 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए जो है हमने देखा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी पहले तो ये था कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे, एक थे जिनके पास जिनकी बॉडी एक सेल की बनी हुई थी यानी यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और एक वो थे जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते थे। बट अगेन हमने देखा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, ये कब देखा, जब 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमने ऑब्जर्व किया। तो अब वो दो टाइप्स कौन सी थी हमारे पास, एक थे जिन्हें हमने अब देखें अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं वापस, तो जब थर्ड किंगडम आया था तो इसके अंदर हमने उठाकर रखा था यूग्लिना और इनसे मिलते जुलते को, और इसी के साथ हमने बैक्टीरिया और इनसे मिलते जुलते जितने भी होते हैं यूनिसेलुलर उनको भी उठाकर इसी किंगडम के अंदर रख दिया गया था। बट अब इस किंगडम के अंदर फर्दर डिवीजन हो रही थी, क्यों डिवीजन हो रही थी, क्योंकि हमने दो सेल की टाइप्स डिस्कवर की थी। अब हमने इस किंगडम प्रोटिस्टा को लोअर और हायर में डिवाइड कर दिया, एक हमारे पास लोअर प्रोटिस्ट बन गए और एक हमारे पास हायर प्रोटिस्ट बन गए। लोअर प्रोटिस्ट हमने उन्हें कहा कि जिनके पास जो सेल था वो था प्रोकैरियोटिक, ये थे तो सारे के सारे यूनिसेलुलर, बट इनके सेल को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको अलग से न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, डीएनए पड़ा हुआ है सेंटर के अंदर। जबकि हायर प्रोटिस्ट हमने उन्हें कहा कि जिनके सेल को अगर आप खोल के देखें तो उसके अंदर अलग से न्यूक्लियस आपको नजर आएगा, तो इन्हें हमने कहा यूकैरियोटिक, यानी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है। अच्छा, इवन इस किंगडम के अंदर जो है, इसी किंगडम के अंदर हमने कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डाले थे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स थे। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, तो फंजाई के अंदर कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स वाले थे, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स वाले थे, तो हमने उन्हें भी उठा कर रखा गया था। तो चूंकि उनके अंदर भी हमें इसी टाइप का सेल मिला, यूकैरियोटिक वाला मिला, तो उन्हें भी हमने कहा कि ये हायर प्रोटिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इनिशियली अगर बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें डिवाइड किया हमने प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, ये था टू किंगडम सिस्टम। उसके बाद बीच में थर्ड किंगडम आ गया, थर्ड किंगडम को हमने नाम दिया प्रोटिस्ट का। प्रोटिस्ट के अंदर क्या हुआ, इसमें से कुछ निकाले हमने और इसमें से कुछ निकाले हमने, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिनके कैरेक्टर्स जो थे वो दोनों के दरमियान में थे, दोनों का मिक्सचर थे, तो हम उन्हें हमने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, अब सारे के सारे मेंबर्स इसमें आराम से रह रहे थे, लेकिन फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमने देखा तो हमने दो तरह के सेल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, हमने देखा कि सेल की दो टाइप हैं, एक वो है जो प्रोकैरियोटिक है और एक वो है जो यूकैरियोटिक है। तो जिन जिन में प्रोकैरियोटिक हमें मिला उनको हमने नाम दिया लोअर प्रोटिस्ट, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने उन्हें लोअर दर्जा दिया, और जिनके अंदर हमें यूकैरियोटिक सेल मिला उन्हें हमने कहा हायर प्रोटिस्ट। तो लोअर प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं, और इसकी एग्जांपल में आता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। हायर प्रोटिस्ट जो हैं इनके अंदर आते हैं आपके प्रोटोजोआ आते हैं इसके अंदर, जो कि यूनिसेलुलर हैं, और फिर मल्टीसेलुलर के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एल्जी और फंजाई दोनों आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है इसके अंदर और यूनिसेलुलर भी है। ठीक है, यूनिसेलुलर के अंदर आपके प्रोटोजोआ आ जाएंगे जिसमें अमीबा पैरामीशियम वगैरह आ जाएंगे, और मल्टीसेलुलर के अंदर फंजाई आ जाएंगे, और यूनिसेलुलर में एलजी और मल्टीसेलुलर में भी एलजी आ जाएंगे। ब्लू ग्रीन एलजी जो है ना वो इसमें नहीं आती, क्योंकि ब्लू ग्रीन एलजी हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को, तो वो आते हैं लोअर प्रोटिस्ट के अंदर। तो दो से हम तीन किंगडम तक पहुँच गए, लेकिन अगेन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी। तो अब जो सिस्टम आया, जो कॉन्सेप्ट आया, वो चार किंगडम्स का आया। ठीक है, तो अब एक और किंगडम जो है वो ऐड हुआ यहाँ पे, और फोर किंगडम की क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिली। अब वो जो तीन किंगडम वाला सिस्टम था वो मिस्टर कोपलैंड जो थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अब एक नया सिस्टम लेकर आया जो कि फोर किंगडम वाला था। इस फोर किंगडम में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बल्कि एक न्यू किंगडम जो है वो ऐड किया, और उस किंगडम को नाम दिया इन्होंने मोनेरा का। ठीक है, या मोनेरा भी कहते हैं इसे लोग।
अच्छा, अब इस मोनेरा के अंदर या मोनेरा के अंदर कौन गया? तो देखें, हमें पता था कि किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर जो है वो हमने दो डिविजन्स की थी, एक को हमने कहा था लो प्रोटेस्टा और एक को हमने कहा था हाई प्रोटेस्टा, वो दोनों इसी के अंदर आ रहे थे। इन्होंने सिर्फ ये किया कि जो लो प्रोटेस्टा थे उन्हें उठाकर रख दिया इस किंगडम के अंदर। तो लो प्रोटेस्टा जो थे एल पी, इन्हें इन्होंने उठाकर रखा इस किंगडम के अंदर। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे लोअर प्रोटेस्टा चले गए। लोअर प्रोटेस्टा कौन है? ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, यानी एक सेल है इनके अंदर, और ये वो ऑर्गेनिज्म है कि जिनका सेल जब आप खोल कर देखते हैं तो आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, बल्कि सेल के अंदर डीएनए सेंटर में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट जो थे, यानी लोअर प्रोटिस्ट जिन्हें पहले कहा जा रहा था, उनको हमने यहाँ रख दिया। तो इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं और इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एलजी का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो लोअर प्रोटिस्ट थे वो उठाकर अलग किंगडम में रख दिए गए। अब जितने भी हायर प्रोटिस्टा थे, हायर प्रोटिस्टा के अंदर आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, लेकिन इनके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद था। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस, कुछ यूनिसेलुलर थे इसमें, कुछ मल्टीसेलुलर थे, वो इसी में रहे, किंगडम प्रोटिस्टा में ही रहे। तो अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हायर प्रोटिस्ट आ रहे हैं, उसमें एलजी आ रहे हैं जिसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टीसेलुलर भी आते हैं, और फंजाई आ रहे हैं जिसमें मेनली फंजाई सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, सिवाय एक कैटेगरी के जिन्हें हम यीस्ट कहते हैं, तो वो यूनिसेलुलर होता है। अच्छा, बाकी जो दो किंगडम थे हमारे पास, उनके नाम अगर आप यहाँ देखें तो एक है किंगडम मेटाफाइटा और दूसरा है किंगडम मेटाजोआ। मेटा का मतलब मल्टीसेलुलर समझ लें, फाइटा का मतलब जो होता है वो प्लांट्स होता है। तो ये वही किंगडम है जिसमें प्लांट्स हैं, तो ये सारे के सारे प्लांट्स हैं इसमें, और सारे प्लांट्स देखें सिर्फ जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, वो सिर्फ ये दो होते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक हैं। तो इसमें भी यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक। तो इसमें प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स आ गए, टेरिडोफाइट्स आ गए, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आ गए। और जो किंगडम मेटाजोआ है, जोआ का मतलब एनिमल होता है, तो इसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स आ गए, ये सारे के सारे भी यूकैरियोटिक हैं और इसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आ गए। तो ये हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जिसके अंदर एक न्यू किंगडम ऐड हुआ था, किंगडम मोनेरा। इसके बाद आती है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। चूंकि अभी भी कुछ मसाइल हो रहे थे, तो और बेहतर क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारे पास फाइव किंगडम की क्लासिफिकेशन, जो कि रॉबर्ट विटेकर की थी ना। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, इन्होंने एक नया किंगडम लेकर आया। चार किंगडम तो आपको अभी नजर आ रहे हैं, इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसके अंदर इन्होंने फंजाई को रखा, तो फंजाई को एक अलग किंगडम दिया गया। अच्छा, उसके अलावा इनकी जो पूरी क्लासिफिकेशन थी वो बेस कर रही थी दो चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ जो थी वो थी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी जो है वो किस तरह की बनी हुई है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की बनी हुई है का मतलब ये है कि क्या वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक सेल पर मुश्तमिल है, या वो मल्टीसेलुलर है। तो ये दो कंडीशंस हो गई, या तो यूनिसेलुलर होगी या मल्टीसेलुलर होगी। अब यूनिसेलुलर भी, मल्टीसेलुलर तो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर कुछ ऐसे हैं जो यूकैरियोट, जो प्रोकैरियोट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का एक क्राइटेरिया हो गया, और दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड कैसे ऑब्टेन करता है। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा, अपना खाना खुद बनाएगा, या वो हीटरोट्रॉफिक होगा। हीटरोट्रॉफिक के अंदर फर्दर दो टाइप्स होती हैं, या तो वो इंजेस्टिव होगा या वो एब्जॉर्प्टिव होगा। इंजेस्टिव का मतलब ये होता है कि वो खाना जो है वो पहले अपनी बॉडी में लाएगा और फिर उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि उसे तोड़ेगा, जैसे कि इंसानों के अंदर होता है या एनिमल्स के अंदर होता है। हम पहले खाना बॉडी में लेके जाते हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ब्रेक करता है। दूसरे होते हैं एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है कि पहले डाइजेस्ट करेगा बॉडी के बाहर और फिर उसे एब्जॉर्ब करेगा, ये फंगस करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप हो गए। तो अब हमारे पास ये दो तरह के क्राइटेरिया थे। तो पहली चीज़ है सेलुलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर है तो क्या वो प्रोकैरियोट है, या यूनिसेलुलर होने के साथ यूकैरियोट है, या फिर वो मल्टीसेलुलर है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, यानी प्लांट्स उसके अंदर आ गए, या वो हीटरोट्रॉफ है, हीटरोट्रॉफ के अंदर क्या वो इंजेस्टिव है जिसमें एनिमल्स आते हैं, या वो एब्जॉर्प्टिव है। अच्छा, अब किंगडम की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, सबसे पहला जो हमारे पास किंगडम आता है वो है किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये किंगडम मोनेरा वही है कि जिसके अंदर हमने लोअर प्रोटेस्टा को डाला था। अच्छा, अब इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं और होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मिल रहा, उसे आप उठाकर डाल देते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर।
तो पहला सवाल जो था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिसेलुलर होने चाहिए और ये प्रोकैरियोटिक होने चाहिए। अच्छा, खाते कैसे हों, तो फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हीटरोट्रॉफिक भी होंगे, दोनों तरह के मेथड्स जो हैं वो इनके हो सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज फार एज दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक तो हम उन्हें इसके अंदर डालेंगे। कौन आता है इसके अंदर, बैक्टीरिया आता है और साइनोबैक्टीरिया आता है। जब आपने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हटा दिए, अब आपके पास दो बच गए, एक बचे यूनिसेलुलर यूकैरियोट और एक बचे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो इनमें से जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, अब उन्हें उठाकर आप डालेंगे इसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये यूनिसेलुलर होने चाहिए, लेकिन यूनिसेलुलर तो इसमें भी थे, लेकिन इसमें यूकैरियोट होना चाहिए, यानी इसके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस हमें नजर आना चाहिए। तो इसमें सारे यूनिसेलुलर आ गए, ठीक है। खाते कैसे हो, तो एब्जॉर्प्शन मेथड हो सकता है, फोटोसिंथेसिस मेथड हो सकता है, इंजेशन, यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता खाने का मेथड कोई भी हो, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोट होने चाहिए। ना इसमें माइक्रो एलजी आ गया, माइक्रो एलजी का मतलब वो एलजी जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने बताया था कि एलजी के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, तो इसमें सिर्फ माइक्रो एलजी आएंगे जिनके अंदर फाइटोप्लैंकटोनिक फॉर्म्स होते हैं। अब ये जो फाइटोप्लैंकटन है, ये बेसिकली प्लैंकटन एक कम्युनिटी होती है जिसमें यूनिसेलुलर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, और फाइटो का मतलब प्लांट लाइक, तो ये फ्लोट करते रहते हैं पानी के ऊपर, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर प्रोटोजोआ आ गए, प्रोटोजोआ जो है ये एनिमल लाइक होते हैं बट ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो इन्हें एनिमल के साथ नहीं रखा जा सकता। और फिर स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये फंगस की तरह के होते हैं, ये एग्जैक्टली फंगस नहीं है बट फंगस की तरह के इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये तमाम मिलाकर इसमें रख दिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे। तो अब सारे के सारे यूनिसेलुलर हो चुके हैं ख़त्म, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो थे वो पहले किंगडम में चले गए और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे वो दूसरे किंगडम में चले गए। अब सारे के सारे आपके पास बचे हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, तो अब आपके पास तीन किंगडम है। पहला किंगडम है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर अगर आप किसी को रख रहे हैं, तो देखें तीनों के अंदर मल्टीसेलुलर आएंगे और यूकैरियोट आएंगे, तो फ़र्क कैसे करें, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना वो होता है हीटरोट्रॉफिक, यानी ये खाना खुद नहीं बनाते। और कौन सा हीटरोट्रॉफिक होता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्प्टिव वाला, यानी ये पहले डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के बाहर और फिर एब्जॉर्ब करके बॉडी में लेकर आते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया किंगडम फंजाई का, और इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे। अब इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों फंजाई आ गए, ज़्यादातर फंजाई मैक्रो होते हैं, एक ग्रुप है यीस्ट जो कि माइक्रो होता है, लेकिन चूंकि वो सब फंगस होते हैं तो वो सब इसके अंदर रख दिए। और इसके अंदर स्लाइम और वाटर मोल्ड भी डाल दिए, चूंकि वो भी मल्टीसेलुलर फंगस के अंदर आते हैं। जो यूनिसेलुलर स्लाइम मोल्ड थे वो यहाँ रख दिए, और जो मल्टीसेलुलर स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड थे यानी फंगस की तरह के थे वो इन्हें यहाँ रख दिया गया। हालांकि ये एग्जैक्टली फंगस नहीं है बट चूंकि मल्टीसेलुलर है तो इन्हें यहाँ रख दिया गया। अच्छा, अब एक और किंगडम जो आपके पास बन रहा है वो है किंगडम प्लांट है। इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसके अंदर देखें मैक्रो एलजी, तो अब आप देखें कि आपने डिवाइड कर दिया एलजी को, माइक्रो एलजी जो छोटे वाले यूनिसेलुलर एलजी थे उन्हें आपने यहाँ रखा, और मैक्रो एलजी जो थे उन्हें आपने प्लांट्स के साथ रख दिया। बाकी सारे के सारे ट्रू प्लांट्स हैं, बाकी सारे को मसला नहीं है, लेकिन ये जो मैक्रो एलजी हैं ये आगे जाकर प्रॉब्लम करेंगे। इसके बाद आता है किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर भी आते हैं हीटरोट्रॉफ, यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो इसमें भी हीटरोट्रॉफ, इसमें भी हीटरोट्रॉफ, फ़र्क ये है इनका मेथड अलग है, ये एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ कहलाते हैं और ये जो एनिमल्स हैं वो इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ कहलाते हैं। ये पहले खाना बॉडी में लाते हैं और फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ जो रॉबर्ट विटेकर था उसने अपना फाइव किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन पेश की थी।